हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सैमसंग E1200i मोबाइल, जिसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। इसका जो पावर की है ऑटो वर्क कर रहा है, दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, कुछ भी दबाते हैं दोस्तों पावर ऑन हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है। अगर आपके पास दोस्तों इस प्रकार कोई सेट आता है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको क्या करना है, दिखाते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, पावर की ऑटो वर्क कर रहा है। अगर आपके पास इस प्रकार कोई सेट आता है दोस्तों तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ग्राहक बता रहे हैं इसका पावर की पहले बिल्कुल वर्क नहीं करता था, जब उसे दुकान पे दिखाया तब से ये उन्होंने सही तो कर दिया, मगर ऑटो वर्क कर रहा है। अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल को ओपन करना है दोस्तों। मगर यहाँ पर दोस्तों हल्का सा सोल्डिंग ज्यादा है, इसलिए ये ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से मैं बिल्कुल हटा देता हूँ, मैं भी यही करता हूँ, मगर यहाँ पर मैं मामूली सा सोल्डिंग करता हूँ, मगर ये ज्यादा है। अब आपको क्या करना है दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो दोस्तों रजिस्टर लगा होता है वो निकला हुआ है, इसलिए उन्होंने सप्लाई वहां भेजी है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर किसी दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के रजिस्टर लगाना है, दिखाते हैं। यहां से ये शोल्डर बिल्कुल हटा देंगे। यहाँ से कोई सा भी रजिस्टर निकाल लेंगे दोस्तों, कैपेसिटर नहीं रजिस्टर, और वहाँ लगाना है, दिखाते हैं अभी आपको। जो ब्लैक कलर का है दोस्तों वो रजिस्टर होता है। इस समस्या का सॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों।
इतनी देर में दोस्तों ऑटो पावर ऑन होने लगता था। अब दिखाते हैं, और ये देखिए दोस्तों इस समस्या का सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपके पास इस प्रकार कोई सेट आता है दोस्तों, तो आप इस तरीके से इस समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।